एक बच्चा भागा भागा अपनी माता के पास आया, माता से बोला, माँ इस शरीर की क्या कीमत है। तो माँ ने उसके हाथ में एक पत्थर दिया और पत्थर देके कहा कि बेटा जा इसको कई लोगों से जाकर के इसको बेचने का मोल भाव कर, बेचना नहीं है पर मोल भाव करके फिर तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो पत्थर लेके सब्जी वाले के पास गया, उसने कहा भैया मेरे पास ये चमचमाता पत्थर, इसके बदले में क्या देगा। उसने कहा कि देख करके इसके बदले, अच्छा जा तू 2 किलो आलू ले जा। उसने कहा ठीक है, वह मोल लगाना था देना नहीं है। आगे बढ़ा, किसी कपड़े वाले के पास गया, वो भैया तू इसके बदले क्या देगा। उसने कहा हम तुमको देख के अच्छा पत्थर है 10 जोड़ी कपड़े दे देंगे। किसी अगली दुकान वाले के पास गया, उससे पूछा तुम क्या दोगे, बोला हम इसके बदले 10 पीतल के बर्तन दे देंगे। एक सोने सुनार की दुकान पर गया, उसने देख के कहा अरे बड़ा कीमती पत्थर है, इसके बदले तो हम तुमको 1 तोला सोना भी दे सकते, इतना कीमती है ये। और फिर अंत में जोहरी के पास गया, जोहरी से पूछा कि इसकी कीमत क्या। जोहरी ने देख के कहा राम राम राम, इतना कीमती ये हीरा तुझे कहां से मिला, मेरी सारी दुकान की कीमत एक तरफ और ये हीरे की कीमत एक तरफ। चाहिए, बोले नहीं चाहिए नहीं, वह कीमत पता करना है। और वे बच्चा भागा भागा आया माता के पास, बोले लो माँ क्या कीमत लगी। बोले सबने अलग अलग कीमत लगाई, बस ये मानव जीवन भी यही है, जिसकी बुद्धि आलू बैंगन तक की है वो इसकी कीमत इतनी लगाएगा, जिसकी बुद्धि एक कपड़ा तक सीमित है वो इसकी कीमत एक कपड़ा तक लगाएगा। पर जिस महान व्यक्ति ने जो जोहरी होता है वो जब इस मानव जीवन को देखता है तो समझ जाता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,